नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी दुखद सूचना है कि झुंझुनू के मंडरेला में SBI बैंक में अस्थायी तौर पर काम करने वाले, नौकरी करने वाले 39 वर्षीय प्रदीप ने कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो पूरा माजरा ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत अस्थाई तौर पर प्रदीप, जो मंडरेला गांव से है, उन्होंने मानसिक तनाव में आकर जो है आत्महत्या की है। उसका मामला ये है कि अस्थाई कर्मचारी प्रदीप को, जो बैंक के प्रबंधक है यानी मैनेजर है, उन्होंने उसको आश्वासन दिया था कि उनको परमानेंट करा देंगे और उससे जो है 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। प्रदीप ने कहीं ना कहीं से जुटाकर जो है 8 लाख रुपए की व्यवस्था जो है वो कर दी, मगर 8 लाख रुपए लेने के बाद मैनेजर संजय कुमार ने उसे परमानेंट करने की बजाय नौकरी से ही जो है वो निकाल दिया। प्रदीप जो है वो 4-5 दिन से जो है वो तनाव में था और तनाव के कारण वह सुबह 8:30 बजे घर से निकला और यह कहकर निकला कि वो कहीं काम से जा रहे हैं। लेकिन वो रावतसर कुंजला के एक खेत में पहुंचे जहां एक कुंड बना हुआ था। उस कुंड में के पास में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में बताया कि उसने मैनेजर संजय कुमार को 8 लाख रुपए दिए जो उसने उससे मांगे थे परमानेंट करने के लिए, मगर उसने परमानेंट नहीं किया और उसे नौकरी से भी जो है वो निकाल दिया। तो इसी मानसिक तनाव में जो है प्रदीप वाल्मीकि जो है वो कुंड में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको वो वीडियो जो प्रदीप वाल्मीकि ने सुसाइड करने से पहले जारी की थी। मंडेला थाना अधिकारी से मेरी ये विनती है कि संजय कुमार जी, जो कि मंडेला ब्रांच मैनेजर हैं, उन्होंने मुझसे 8 लाख रुपए मुझे परमानेंट करने के लिए लिए थे, जो कि मैंने मार्केट से उधार कर करके उनको दिए और बाद में आकर उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि भाई तुम परमानेंट नहीं हो सकते और अब तुम्हारी ब्रांच में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ब्रांच से निकाल रहे हैं। तो ऐसा करने से मैं कर्जे में डूब गया और कर्जे में डूबने के बाद अब मैं एक कदम उठा रहा हूँ। तो थानाधिकारी जी से मेरा यही कहना है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरे परिवार वालों को भी न्याय मिलना चाहिए। हेलो, मैं मेरी गलती सबसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगू हूँ। और पवन भाई, सुनील भाई ने बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बढ़िया भाई हैं और टावराने भी संभालेगा, है ना? और कोई गलती सलती हो तो क्षमा करियो, पापा भाई को ध्यान रखियो, बच्चा को ध्यान रखियो, ठीक? ठीक। तो देखा आपने, वो पूरा वाक्य जो है उन्होंने बताया कि मैनेजर को उन्होंने 8 लाख रुपए दिए और कर्ज में जो है वो डूब गए थे, इसी कारण तनाव में थे, और रही सही जो नौकरी थी, अस्थाई तौर की जो नौकरी थी, उससे भी जो है वो निकाल दिए गए थे।
सुसाइड के बाद जो है प्रदीप वाल्मीकि के पिता गिगराज जी ने थाने में जो है रिपोर्ट की, उनकी रिपोर्ट जो है दर्ज नहीं की गई। 5 मार्च 2021 दिन शुक्रवार और समय 8:30 बजे जो है ये सुसाइड किया गया। और उसके बावजूद आज जो है 25 मार्च 2021 हो चुका है, यानी काफ़ी दिन बीच में हो चुके हैं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट ने ना वीडियो और जो सुसाइड नोट जो था उसको मद्देनज़र रखते भी एफआईआर नहीं किया। तो ये प्रशासन का जो है ढीला रवैया कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है। और मैनेजर संजय कुमार को जो है बचाने की शायद कोशिश की जा रही है, और जो वाल्मीकि परिवार है, जो दलित परिवार है, उनको उनकी जो है रिपोर्ट भी जो है दर्ज नहीं की गई। तो ये झुंझुनू जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, राजस्थान पुलिस प्रशासन है, उस पर संदेह खड़े करता है। और जागो समाज चैनल इसकी घोर निंदा करता है कि पुलिस का जो ये ढीला ढाला जो रवैया है वो बिल्कुल सही नहीं है। राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार से यही अपील करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में ले, क्योंकि जिन्होंने सुसाइड किया है उन्होंने खुद वीडियो में और सुसाइड नोट पर मैनेजर संजय कुमार पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं, और आरोपी को जो है वो बचाया जा रहा है। वैसे संजय कुमार ने भी जो है इस घटना को नकारा है, और उन्होंने कहा संजय कुमार ने कि इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, और उससे वह निराधार जो है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर जिसने सुसाइड किया, सुसाइड करने वाला झूठ नहीं बोलता, और उसी आधार पर जो है कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जांच जो है वो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। चैनल की ओर से आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सुसाइड जो है एक बुजदिली का काम है, इस बुजदिली के काम को ना करें और जीवन में संघर्ष करें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा जीवन एक संघर्ष का नाम है, और संघर्ष करके ही न्याय मिल सकता है, अधिकार मिल सकता है। आपको अगर लगता है कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है तो आप जागो समाज चैनल से भी संपर्क कर सकते हैं, और आपके जितने बड़े बड़े संगठन जो आपकी जातियों में बने हुए हैं, आपके समाज में बने हुए हैं, तो आप उनसे संपर्क करके अपने लोगों का साथ ले सकते हैं और संघर्ष करके अपने आपको न्याय भी दिला सकते हैं, अपने परिवार को भी न्याय दिला सकते हैं। जागो समाज चैनल आपके साथ में है, और डरने की या किसी से भय खाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी दबंग हो। और आपसे यही विनती है कि आत्महत्या जैसे अपराध ना करें और अपने परिवार को सुखी रखे और डटकर सामना करें, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।